ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्लास 10th का 6 क्वेश्चन देखिए। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल बी कैसे एक्यूट एंगल, वो आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो दो एक्यूट एंगल होते हैं। तो दो एक्यूट एंगल है जो जिसमें कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दे रखा है। तो आपको प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे इजी से इजी मेथड सीखें। जैसे मैंने आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसमें ये 90 डिग्री का है। एक बताइए जो एंगल है ए और बी वो एक्यूट है, यानी ये ए है और ये बी है, इसका नाम डाल दीजिए सी क्योंकि ये एक्यूट एंगल कौन से ए और बी। ठीक है, जब आपने ए और बी कर दिए तो यहाँ पे ए और बी लिख दिया एक्यूट और सी हो गया राइट। अब हमें देखा कॉस ए इजकल टू कॉस बी, कॉस ए इजकल टू कॉस बी। आपको पता है मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा वाला। ठीक है बच्चों, अब कॉस क्या है, कॉस है बी अपॉन एच। अब ध्यान देखना यहाँ एंगल कौन सा ए, यहाँ भी एंगल कौन सा ए, तो डायरेक्ट लिखेंगे बी क्या है ए सी, ए सी अपॉन एच क्या है ए बी, ए सी अपॉन ए बी। क्लियर। अब कॉस बी, कॉस बी क्या है, कॉस है तो वही बी अपॉन एच, लेकिन कॉस बी है एंगल डिफरेंट, यहां वाला एंगल है तो मैंने कहा परपेंडिकुलर वाली बेस में, बेस वाली परपेंडिकुलर में, तो बी क्या है ए सी, ए सी से क्या लगेगा बी सी अपॉन जो एच है, एच क्या लगेगा ए बी। क्लियर, समझ आ गया आपको, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया तो क्या हो जाए ए सी इक्वल टू बी सी, अब AC के अपोजिट साइड, अपोजिट जो AC साइड है उसके अपोजिट एंगल कौन सा है एंगल B, और जो BC है उसका अपोजिट एंगल कौन सा है एंगल A, एंगल A is equal to एंगल B proved, hence ये है आपका ये शॉर्ट मेथड। क्लियर, दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cot A is equal to 7/8, cot A is equal to 7/8, फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले जो दे रखा है उसी के लिए आप एक फिगर बनाएंगे। मैंने आपसे कहा सबसे पहले ये काम होता है, अब पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, मैं साइन ये कॉस ये टेन ये कॉट, कॉट क्या है बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। अब बी कितना है 7 और पी कितना है 8, इट मीन्स हाइपोटेन्यूज नहीं है। अब एंगल यहां कौन सा है ए, तो यहां एंगल ए लिखा, यहां एंगल बी लिखा और यहां एंगल सी लिखा। क्लियर, आप सबसे पहले काम क्या होता है बेटा हमारा, थर्ड साइड फाइंड करना, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये बताया था आपको सबसे पहले थर्ड साइड निकालो, इट मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस कितना बच्चों हमारा 7, पी कितना हमारा 8, 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 49 और इसका कितना 64, प्लस कर दीजिए 130, एच स्क्वायर आया तो एच कितना हो जाएगा रूट 130, अब ये हमारे पास आ गया 113। अब हमें निकाला क्या वो हम देखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा पहला पार्ट, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखोगे बच्चों इसमें हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन क्या होता है थीटा कहां से आ गया, ये थीटा है आपका, अब 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या होती है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी कितना है 8 और एच कितना बच्चों 113 का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर
कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच सेवन अपॉन वन अंडर रूट थर्टीन का पूरा स्क्वायर। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, वन माइनस खोल दीजिए इसको, सिक्सटी फोर अपॉन वन अंडर थर्टीन, कैसे एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर और रूट वन अंडर थर्टीन का स्क्वायर होगा रूट हट जाएगा, ऐसे ही अपॉन वन माइनस सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन और रूट वन अंडर थर्टीन का वन अंडर थर्टीन। इतना क्लियर हो गया? अब देखो बच्चों, वन अंडर थर्टीन ऊपर एलसीएम, वन अंडर थर्टीन नीचे एलसीएम, अलग अलग लेंगे। पहले वन अंडर थर्टीन ऊपर एलसीएम लिया तो क्या आ गया, वन अंडर थर्टीन माइनस सिक्सटी फोर, नीचे वन अंडर थर्टीन एलसीएम लिया कितना आया वन अंडर थर्टीन माइनस के फोर्टी नाइन, क्या बचा थर्टीन में से फोर माइनस नाइन, टेन में सिक्सटी फोर फोर्टी नाइन अपॉन, इससे ये कैंसिल, थर्टीन में से आएंगे फोर और टेन में से फोर सिक्स, फोर्टी नाइन अपॉन सिक्सटी फोर, दैट्स इट। अब सेकंड पार्ट देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा आपको अच्छा लगेगा, कॉट दे रखा ऑलरेडी सेवन अपॉन एट और स्क्वायर निकालना सिर्फ, तो सेवन अपॉन एट का होल स्क्वायर, इट मीन्स सेवन का स्क्वायर कितना होता है फोर्टी नाइन और कितना होता है सिक्सटी फोर। क्लियर आंसर? दैट्स इट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एट, थ्री कॉट इज इक्वल टू फोर, चेक वेदर वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर और नॉट। सबसे पहले थ्री कॉट इज इक्वल टू फोर है तो कॉट ए इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, फोर अपॉन थ्री, फोर अपॉन थ्री। अब वही हम लोग ये डायग्राम बना लिया, अभी बताया था मैंने आपको पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा में कॉट क्या होता है साइन कॉस टेन कॉट बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, बी कितना है फोर और पी कितना है थ्री, हमें क्या निकालना है हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। यहाँ पे ए लिख दीजिए, यहाँ बी और यहाँ सी। अब सबसे पहले हम लोग थर्ड साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस कितना आपका फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, फोर कितना है आपका सिक्सटीन, थ्री कितना आपका नाइन, थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन और फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन, अब सिक्सटीन नाइन कितना हुआ ट्वेंटी फाइव, हाइपोटेनिस का स्क्वायर टू ट्वेंटी फाइव, तो हाइपोटेनिस स्क्वायर टू रूट ट्वेंटी फाइव इट मीन्स फाइव, हमारे पास ही फाइव आ गया। क्लियर? अब क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि ये इसके इक्वल है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए इजकल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वन माइनस टेन क्या है, टेन होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी यानी थ्री अपॉन फोर का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए मीन्स वन प्लस थ्री अपॉन फोर का होल स्क्वायर। क्लियर? इजकल टू कॉस, कॉस होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच फोर अपॉन फाइव का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एच, साइन स्क्वायर पी अपॉन एच, पी अपॉन एच थ्री अपॉन फाइव का होल स्क्वायर। अब आप कह रहे सर आपने कहते आ रहे हैं एंगल दिखाई दे रहे, हमने देख लिया एंगल, यहाँ भी एंगल कौन सा था ए, यहाँ भी एंगल कौन सा ए, यहाँ भी एंगल कौन सा ए, यहाँ एंगल कौन सा ए, सभी एंगल ए हैं और यहाँ भी हमने कौन सा एंगल दिया ए, तो डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दी है। अब फोर अपॉन फाइव का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव। क्लियर? अब इसको खोलेंगे, वन माइनस नाइन अपॉन सिक्सटीन अपॉन वन प्लस नाइन अपॉन सिक्सटीन। क्लियर? ये इसके इक्वल हो गया। अभी अब और सॉल्व करेंगे, अभी अब जैसे यहाँ भी सिक्सटीन एलसीएम आगा नीचे भी सिक्सटीन एलसीएम आगा, तो पहले सिक्सटीन एलसीएम नीचे ऊपर लेंगे तो कितना होता है सिक्सटीन माइनस नाइन अपॉन सिक्सटीन, नीचे कम एलसीएम लेंगे कितना होता है सिक्सटीन प्लस नाइन इजकल टू ट्वेंटी फाइव एलसीएम लेंगे इधर तो सिक्सटीन माइनस नाइन, सिक्सटीन माइनस नाइन। अब बच्चों सिक्सटीन सिक्सटीन कैंसिल हो गया, सिक्सटीन माइनस नाइन कितना हुआ सेवन अपॉन सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव और सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव इक्वल आ गए, यस दीज आर इक्वल।
क्लियर, इक्वल आ गया आपका, पूछा था इक्वल है या नहीं, यस इक्वल।